देख सकते हैं ये सारे किसानों के साथ धोखा हुआ हुआ है। इनके पानी में लोन लिए हैं करके अपडेट किया गया है, बट दे हैव नॉट इवन रिसीव्ड अ सिंगल रूपी। अर्बन सोसाइटी अर्बन एरियाज में जब इतना चीटिंग हुआ है किसानों के साथ, जहाँ पे इनका लोन अप्रूव कर चुका कर दिया गया है, लेकिन इनके अकाउंट को पैसा नहीं डाला गया है। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बैंकिनली जीएसटी This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road. तो देखिए बीसीसी बैंक का जो PACS का जो इश्यू चला है, जैसे लास्ट वीक का कर्नाटका प्रांत राज्य संघ ने जो प्रेस मीट करके पूरे डिटेल्स सारे किसानों के साथ प्रेजेंट किए थे कि किसानों के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की गई है, जहाँ पे लास्ट ईयर जब फरवरी में जो स्टेटमेंट था हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कॉर्पोरेशन मिनिस्टर का कि इट इज़ 24,000 crores हैज बीन अलॉटेड फॉर द DCCB बैंक एंड PACS फॉर फार्मर्स फार्म लोन्स के लिए। अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं किंडी विलेज के शिवानंद साहब हैं, दत्तात्रेय साहब हैं और शिव रुद्रप्पा साहब हैं, ये सारे जो गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी इमीडिएटली, अभी तो मैं जो साथ बता रहा हूँ दे आर फ्रॉम गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड DCCB बैंक इज़ विद इन द सिटी लिमिट। अरे गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अर्बन सोसाइटीज अर्बन एरियाज़ में जब इतना चीटिंग हुआ है किसानों के साथ, जहाँ पे इनका लोन अप्रूव कर चुका कर दिया गया है, लेकिन इनके अकाउंट को पैसा नहीं डाला गया है। अभी बैंक ये बोलता है कि डोंट हैव द मनी टू ट्रांसफर द लोन अमाउंट। मतलब क्या है, तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है तो 24,000 crore गया कहाँ पे? और साथ में जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट था 16,500 crore तो हम लोगों ने किसानों को ऑलरेडी दे दिया है, तो 16,500 crore गया किधर? ये जिस तरीके से किसानों को धोखा दे के किसानों के साथ एक बड़ा चीटिंग करके जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने एक लूट मचाई है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बीजेपी का शासन किसानों के लिए एक बड़ा टेंशन है और हमेशा ये जो है किसानों को आत्महत्या के तरफ ढकेलने की इनकी राजनीति चली गई है। आज इंडिया में हर साल करीब 20,000 किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ये इसी का नतीजा है कि जो जन विरोधी किसान विरोधी जो नीति चली है बीजेपी गवर्नमेंट की, ये किसानों को इस हद तक मजबूर करना है कि वो अपना खेत छोड़ के या तो अपना गांव छोड़ के भाग जाएं शहर के तरफ आके, जिसका रैपिड अर्बनाइजेशन का एक अलग प्रॉब्लम से बने, प्लस मास एक्सोडस जो चला है किसानों का ये गवर्नमेंट की नीति की वजह से चला है, प्लस जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू बना है, ये किसानों के खिलाफ जो राजनीति चली है बीजेपी गवर्नमेंट की, उनके नाम से लोन अलाउ उनके नाम से बजट अलॉट किया जाए और खुद गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट में बैठ के ये बजट खाए, ये जो लूट मची है, ये 40% कमीशन की जो चोर सरकार जो बैठी है, ये चोर सरकार से हम फिर कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह का बहाना मत ले हमारे सामने, और ये जो किसानों के जो लोन अप्रूव कर दिए गए हैं इनके लोन फौरन इनके अकाउंटों को डाला जाए। और एक चीज़ बता दूं मैं गुलबर्गा DCCB बैंक का, पिछले साल जब मुंबई साहब का विजिट था यहाँ पे एक बात कही गई थी कि 300 crores बजट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, 300 crore का बजट स्वयं सेवा संघ के लिए दिया जाएगा, ये ऐलान था वो 300 crore का। अभी ये भी प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, इनको डिटेल्स आना ज़रूरी है। वी थिंक देर इज़ ए मैसिव लार्ज स्केल स्कैम गोइंग ऑन विद इन द DCCB बैंक एंड द कॉर्पोरेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द DCCB बैंक, एंड ए सीरियस प्रोब इज नीडेड इन दिस ऑल केस, बिकॉज 24,000 crore का ये एंटायर स्टेट में हमको ये है कि एंटायर स्टेट में स्कैम किया गया है। इट इज़ नॉट ओनली द इशू ऑफ गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सारे तालुका में ये ऑलरेडी इशू हो चुका है। अभी आज तो मेरे साथ गुलबर्गा साउथ के किसान ठहरे हैं जो पिंडकी गांव के हैं, आप देख सकते हैं ये सारे किसानों के साथ धोखा हुआ हुआ है। इनके पानी में लोन लिए हैं करके अपडेट किया गया है, बट दे हैव नॉट इवन रिसीव्ड अ सिंगल रूपी ऑफ देयर लोन अप्रूव्ड, उनके लोन अप्रूवल का एक रुपया भी इन्हें नहीं मिला है। और जो 300 करोड़ का जो DCCB बैंक के जो चेयरमैन थे, जो उन्होंने कहा था पिछले साल कि स्वयं सेवा संघ के लिए 300 करोड़ हमने बजट अलॉट किया है, वो कौन से संघों के लिए 300 करोड़ तुमने दिया है वो अभी तक नहीं बताया।
क्या स्वयं सेवा के नाम पे आरएसएस से जुड़े संघों के लिए 300 करोड़ दिया किसानों के नाम पे? क्या कोई हाल उत्पादक संगठन को दिया? क्या कोई डेयरी फार्मर को दिया? ये कौन से हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनके लिए 300 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था और गया किधर? इसके भी वाइट पेपर्स ये लोगों को प्रेजेंट करना है। ये अगर इमीडिएटली किसानों के अप्रूव लोन अगर अकाउंट्स को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो कर्नाटका प्रांत राज्य संघ यहाँ से ये वार्निंग समझ ले या चेतावनी समझ ले, डीसीसी बैंक, लीड बैंक, या हो गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, ये जो भी हो, ये यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट समझ ले या चेतावनी समझ ले। आप इलेक्शन करते रहेंगे, फिर हम रोडों पे उतर के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, फिर हमको आप सवाल नहीं कर सकते कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्यों हो रहा है। लोगों के जान पे आके बात बनी हुई है, तो पहले इंसानियत बचाएंगे, फिर इलेक्शन करेंगे। इसके लिए किसानों के जो लोन अप्रूव्ड है, हम अपील कर रहे हैं फौरन इनके अकाउंट्स को इनके सारे लोन ट्रांसफर किए जाएं। थैंक यू। मैं कर्नाटक प्रांत राज्य संघ से जावेद हुसैन। स्वागत ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾತರು ಈ ವರ್ಷ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಾವು ದಾಣಿ ರೈತರ ರೊಕ್ಕದ ಮಾಲು. ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾ, ಎಳ್ಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಒಕ್ಕಲ್ತನಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ರೈತರ ಸರಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49 ಜನ ರೈತರನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಗಡುಕ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ, ಮತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದು ಒತ್ತಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ, ಶ್ರೀವಾಹನ್ ತಾಲೂಕ, ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೌತ್ ಏನಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲೂಕ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹಣ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೊಂದ್ಕರ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜ ಇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಯಾವ ನೀತಿ? ಈ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಮೇಲೆ GST ಹೊರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ GST ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕು, GST ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ